नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये है 2/√x + 3/√y = 2 और एक और समीकरण हमें दी है 4/√x - 9/√y = -1। जैसा हमने पिछले भाग में देखा, क्वेश्चन ये है कि पहले इसकी रैखिक समीकरण बनाओ, ठीक है। उसके लिए जैसा हमने पिछले भाग में लिया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लेंगे। पिछले भाग में हमने 1/x को a के बराबर लिया था, लेकिन यहाँ पे 2/√x है और √y है, तो इसका मतलब हमें लेना होगा 1/√x = a और 1/√y = b। मान लो 1/√x = a और 1/√y = b। अब हमारे क्वेश्चन क्या बन गया, देखो। यह है 2, 1/√x की जगह लिखो a। कई बच्चे a को नीचे लिख देते हैं, नहीं बेटा, अगर हम लेते ना √x = a तो वो इसलिए a नीचे आता, लेकिन हमने 1/√x को a लिया, तो 1/√x की जगह a लेंगे तो वो ऊपर ही लिखा जाएगा 2 के साथ, प्लस 3 × 1/√y, वो है हमने अभी लिया b के बराबर, बराबर 2। इसी प्रकार से यहां देखिए 4 1/√x की जगह a माइनस 9 1/√y की जगह b बराबर यहां है -1। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फर्स्ट भाग की तरह, ये अपने आप ही हमारी जो है रैखिक समीकरणें बन गई हैं। तो इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। हमें बहुत से तरीके पता हैं इनको हल करने के। सबसे पहले मैं जो तरीका अपना रहा हूँ, मैं इसमें अपना रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि। उसके लिए बराबर 2, 3 भी यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a बराबर 2 - 3b, 2 इधर गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। जब हमने प्रतिस्थापन विधि वाली एक्सरसाइज की थी तो हमने यही तरीका उसमें किया था। अब ये जो a की वैल्यू है हमने 1 को सॉल्व करके निकाली, इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। हम लिख सकते हैं a का मान इक्वेशन 2 में रखने पर हिंदी में, तो ये हो जाएगा 4 × a, a की जगह ये वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, (2 − 3b/2) -9b (-1) - 1। अब हम इसे हल करेंगे, तो देखिए ये 2 जो है ये 4 से कट सकता है, 2 × 4। अब ये 2 कट गया, ये 2 रह गया, ये 2 इस ब्रैकेट में दोनों नंबरों के साथ गुना होगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, -2 × 3b हो जाएगा 2 × 6b, -9b = -1। माइनस माइनस प्लस, ये बी वाली रकम नहीं है, इसको उधर ले जाओ, -1, ये +4 है, उधर जाके हो जाएगा -4। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15, साथ में बी, दोनों रकमें माइनस किया इसलिए ये भी माइनस का होगा, तो ये आ गया -b = -1 + 4 और 1 5, साथ में दोनों माइनस किया इसलिए माइनस का निशान। ये -15 बी के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। फिर से देखिए कट जाता है, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 15 कटेगा, 5 एकम 5 और 5 किया 15, तो यहाँ से बी हमारे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया। बी हमारे पास कितना आ गया है, 1/3। अब ये बी की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे ताकि उससे हमें ए का मान मिले। पुट
द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री में रखने पर देखो इक्वेशन थ्री क्या है, ए बराबर टू माइनस थ्री बी बटा दो, ए बराबर टू माइनस थ्री इंटू बी, बी की जगह मैं क्या लिखूंगा वन अपॉन थ्री बटा दो। अब क्या होगा बता सकते हो, ये तीन से ये तीन कट जाएगा तो बाकी कितना बचा, दो माइनस तीन से तीन कट गया तो बाकी बचा एक और नीचे है बटा दो, दो में से एक निकाला एक बटा नीचे है दो। इसका अर्थ ये है हमारे पास a का मान आ गया है एक बटा दो, b आया था एक बटा तीन, a आया है एक बटा दो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि a और b निकालो, क्वेश्चन है x और y निकालो। तो अभी हमने लिया था वन पॉइंट रूट एक्स बराबर a, वन अपॉन रूट एक्स बराबर ए, तो एक्स किस रूट एक्स किसके बराबर होगा वन अपॉन ए के, इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा, दोनों का स्क्वेयर कर दो रूट एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा एक्स, वन अपॉन ए का स्क्वेयर हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वेयर, वन अपॉन ए स्क्वेयर, ए कितना है वन अपॉन टू है, इसका होल स्क्वायर यह आ गया वन अपॉन वन का स्क्वायर होता है वन, टू का स्क्वायर होता है फोर। अगले स्टेप में ये वन अपॉन फोर ये ऊपर जाके उल्टा होके बन जाएगा फोर अपॉन वन यानी कि फोर। तो इससे जो हमारे पास एक्स का मान आया है वो आ गया है चार। इसी प्रकार से हम इस तरफ y का मान निकालेंगे। देखो शुरू में ही हमने लिया था वन अपॉन रूट वाई बराबर बी, वन अपॉन रूट वाई बराबर बी। अभी मैं इसको वन अपॉन दोनों का उल्टा कर दूं, वन अपॉन रूट वाई का उल्टा होगा रूट वाई तो b का भी उल्टा होगा वो हो जाएगा वन अपॉन बी, दोनों का स्क्वेयर कर दो रूट वाई का स्क्वेयर हो जाएगा वाई, वन अपॉन बी का स्क्वेयर हो जाएगा वन अपॉन बी स्क्वेयर यानी कि वन अपॉन बी स्क्वेयर, बी कितना है वन अपॉन थ्री यानी वन अपॉन थ्री का होल स्क्वेयर, वन अपॉन वन का स्क्वेयर होता है वन, थ्री का स्क्वेयर होता है नाइन। अगले स्टेप में ये वन अपॉन नाइन नीचे इसके भाग हो रहा है ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा नाइन अपॉन वन, इसका मतलब वाई का जो मान आया है वो हमारे पास आ गया है नौ। तो एक्स बराबर चार और वाई बराबर नौ, ये ही इस प्रश्न का इस रैखिक समीकरण का हल है। जहां से भी बच्चों आपको ये क्वेश्चन अगर ना समझ आया हो उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिए, और यदि आपको समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से ही हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।